देखो, नाच गा के भी जिंदगी गुजर जाएगी, गुनाहों में भी गुजर जाएगी, गफलतों में भी गुजर जाएगी, नाफरमानियों में भी गुजर जाएगी। गुजर तो जाएगी ना, रुकेगी तो नहीं। दुनियावी एतबार से फिरौन बादशाह था, हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी उसकी, लोगों के दिलों में उसका खौफ भी डेवलप था। बेताज बादशाह था, डॉन था, बदमाशियां, अकड़, फखर, खुदाई दावों से भरा था। मरा ना, खत्म हुई ना उसकी बादशाहत, टूटी ना उसकी अकड़, छिन गया ना उससे वो सब कुछ जिसकी वजह से वो खुदा को नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो गुरूर और तकब्बुर और मनमानी जिंदगी गुजार रहा था। तो आजकल जो फिरौन मौजूद है ना, इन्होंने भी हमेशा नहीं रहना, इन्होंने भी जाना है। और नेक लोगों ने भी मर जाना है, जो इबादत कर रहा है उसे भी मौत आनी है, जो अल्लाह को राजी करने के लिए एफर्ट पुट कर रहा है, गुनाहों को लात मार रहा है, बेहयाइयों से मुंह मोड़ रहा है, लोग इबादतों को मुश्किल मुश्किल कह रहे हैं लेकिन ये कर रहा है, बावजूद इसके कि मुश्किल है, बावजूद इसके कि दिल नहीं लग रहा, इसकी सारी एफर्ट्स बिन देखे अपने रब के लिए, ये भी मरेगा। तो क्यों ना हम अपने लिए एक बेहतरीन फैसला करें, अपने इन तमाम गुनाहों को, इन ख्वाहिशों को और इन मोहब्बतों को जो हमें अल्लाह से दूर लेकर जा रही है, हमारा टाइम जाया कर रही है, इनको छोड़ दें और उन रास्तों पर चलना शुरू कर दें जिस रास्ते की मंजिल अल्लाह है। क्या मुश्किल है इसमें? कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ तौबा करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ना स्टार्ट करो, दिल को साफ करो, अल्लाह को याद रखो, सब ठीक हो जाएगा।